अप्रैल 2016 में जर्मन अखबार ने पानामा पेपर्स के बारे में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद पूरी दुनिया में पानामा लीक्स और ऑफशोर कंपनीज का जिन बोतल से बाहर आ गया, जिसने दुनिया भर की कई अहम शख्सियात की नींदें उड़ा दी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सियासी उफक पर बड़े पैमाने पर हलचल देखने में आई। इस शायकर्दा रिपोर्ट में कई आलमी सरबराहान मुमलिकत, मारूफ खिलाड़ियों और सियासतदानों समेत अहम शख्सियात की ऑफशोर कंपनी सामने आई, जिनमें पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ के तीन बच्चों हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरियम नवाज का नाम इस रिपोर्ट में सामने आया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखला रहमान मलिक और पीपल्स पार्टी ही की साबिक वजीर आजम पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो का नाम भी इस फहरिस्त का हिस्सा बना। आलमी सरबराहान मुमलिकत की बात करें तो आलमी सरबराहान में मलेशिया के वजीर आजम नजीब रजाक, यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको और इसके अलावा सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान और साबिक अमीर कतर हमद बिन खलीफा के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। और तो और सदर मुतहदा अरब अमारात और अबू धाबी के खलीफा बिन जैद और साबिक बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरन के वालिद इयान डोनाल्ड कैमरन का नाम भी इन्हीं लीक्स में शामिल है। दुनिया भर के अदाकारों की अगर बात करें तो इसमें भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और इसके अलावा आलमी शोहरत याफ्ता चाइनीज अदाकार जैकी चैन भी ऑफशोर कंपनी के मालिक निकले। और खिलाड़ियों की अगर बात करें तो इसमें मारूफ फुटबॉलर लियोनेल मेसी का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है।